मिशन अनलॉक शुरू। जिन इलाकों में मरीज कम वहां रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाजत। फिलहाल लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत का फैसला नहीं आया। आदाब में फरहत शरीफ, लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी खबर में बताया था कि जिन 25 जिलों में मरीज कम है वहां पर सख्तियों में नरमी दिए जाने का अमल शुरू होगा। कल उद्धव ठाकरे ने मिशन अनलॉक के तहत ऐलान करते हुए बताया कि जिन जिलों में कोरोना के मरीज कम है वहां दुकानें रात 8 बजे तक खुली रखी जा सकती है। जहां पर मरीज कम नहीं वहां पर फिलहाल कोई राहत दिए जाने का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने लोकल ट्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं किया और कहा कि उसके लिए थोड़ा और इंतजार करें। धीरे धीरे नरमी दी जाएगी और नतीजा देखा जाएगा और उसके बाद ही कोई आखिरी फैसला किया जाएगा, जिसके लिए हमें अवाम की मदद की भी जरूरत है। दफ्तरों में काम करने वालों से उन्होंने कहा कि आप चाहे जितने मुलाजिम बुलाए मगर ऑफिस में भीड़ भाड़ ना हो। उन्होंने सभी दफ्तर और कंपनियों के मालिकान से ये दरख्वास्त की है कि वह अपने कर्मचारियों से घर बैठे ही ज्यादा से ज्यादा काम कराने की कोशिश करें। या अगर ऑफिस बुलाते हैं तो उसका टाइम टेबल बनाए। हाई कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी है कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगा ली है उन्हें सफर की इजाजत दी जा सकती है। उसके बावजूद सीएम उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेन के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं दिया। नई गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें पीर से जुमा तक रात 8 बजे तक खुली रखी जा सकती है, जबकि शनिचर को 3 बजे तक खुली रहेगी और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रखना होगा। 50% के तहत जिम्नाशियम, ब्यूटी पार्लर और सैलून को भी रात 8 बजे तक खुला रखा जा सकता है। मजहबी मुकाम जैसे मस्जिदों और मंदिरों के खोले जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तरों को गाइडलाइन और एहतियात के साथ खुले रखे जाने की इजाज़त है। वर्क फ्रॉम होम के तहत जो कंपनियां और ऑफिस काम कर रहे हैं उन्हें जारी रखने कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज, मुंबई।